ठीक है गाइस, वेलकम टू ऑर्डर रिव्यूज। आप सब लोगों को आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक और एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज आप लोग देख सकते हो कि हमारे साथ एक और एक स्कूटर है, विच इज़ द 2023 TVS Ntorq रेस XP 125 E20 अपडेट स्कूटर है ये। एंड आज हम लोग इस स्कूटर का एक फुल रिव्यू आपको देने वाले थे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना समय बर्बाद किए। मेरा नाम अरुण शल्दर, आप देख रहे हो ऑर्डर रिव्यूज का यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हियर इज अ स्कूटर। दिस इज द 2023 TVS Ntorq रेस XP 125। एंड आज हम लोग इस स्कूटर का एक रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग फ्रंट की तरफ मतलब डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन आपको यहाँ पे सेम ही देखने को मिलता है जैसा आपको पहले देखने को मिलता था। एंड उसके बाद अगर आप लोग सबसे पहले एलिमेंट्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जैसे आप लोग हेडलैम्प्स की तरफ देखते हो तो हेडलैम्प्स आपको फुल LED हेडलैम्प्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स का एक पूरा सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद अगर आप लोग इस हेडलैम्प के थ्रो की बात करेंगे तो इसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड आपको रात में एक बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा फॉर श्योर, क्योंकि हेडलैम्प काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। साइड पे देखेंगे तो साइड पे आपको Ntorq की एक बड़ी सी बैजिंग देखने को मिलता है, उसके साथ यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर देखने को मिलता है रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में। एंड कुछ ग्राफिक्स वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप लोग बात करेंगे दूसरे एस्पेक्ट के बारे में तो यहाँ पे जैसे आप लोग थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो ऊपर में आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलता है। इंडिकेटर्स आपको बॉडी फिटेड इंडिकेटर्स दिया गया है। और उसके साथ यहाँ पे अगर आप लोग सेंटर की तरफ देखेंगे तो सेंटर में आपको एक छोटा सा विंडशील्ड देखने को मिलता है जिसके ऊपर आपको एक स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैजिंग देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही आप लोग मिरर्स की तरफ देखेंगे तो मिरर्स आपको ब्लैक कलर में मिरर्स यहाँ पे दिया गया है। एंड साथ में अगर आप लोग थोड़ा सा अंडरनीथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको फेंडर देखने को मिलता है। फेंडर आपको डुअल टोन कलर में दिया गया है, ब्लैक एंड सिल्वर डुअल टोन कलर में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ्रंट टायर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको TVS का टायर देखने को मिलेगा। टायर साइज़ की बात करेंगे तो 100x80 12 इंच का ट्यूबलेस टायर विद अलॉय व्हील यहाँ पे देखने को मिलता है। अलॉय व्हील का कलर जो ये आपको रेड कलर में इसका अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ अगर आप लोग बात करेंगे फ्रंट ब्रेकिंग के बारे में तो जो फ्रंट ब्रेक है यहाँ पे आपको 220mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्रंट सस्पेंशन ऑफ दिस स्कूटर तो यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक मतलब कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद हाइड्रोलिक डैम्पर्स का एक पूरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर आपको और कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एंड जैसे ही आप लोग इस स्कूटर का साइड प्रोफाइल देखेंगे तो साइड से भी स्कूटर को एक काफ़ी ज़्यादा कूल एंड एक अट्रैक्टिव सा लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे स्कूटर के कलर ऑप्शन के बारे में तो कलर ऑप्शन आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, ये स्कूटर कौन कौन से कलर में अवेलेबल है। एंड उसके बाद अगर आप लोग डायमेंशंस की बात करेंगे तो डायमेंशंस भी आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही आप लोग साइड प्रोफाइल के दूसरे एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 125 XP की रेस XP की एक बैजिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको फुटस्टेप देखने को मिलता है, बेसिकली पैर रखने के लिए जगह दिया गया। यहाँ पे आपको सेम ही जगह ऑफर किया गया जैसा आपको Ntorq रेस एडिशन में देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप लोग दूसरे एस्पेक्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक हुक देखने को मिलेगा। और उसके साथ यहाँ पे आपको एक चाबी देखने को मिलता है, दो की दिया गया है स्टाइलिश डिज़ाइन में, इसका की यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके साथ यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्कूटर का सीट देखने को मिलता है। सीट की बात करेंगे तो ब्लैक कलर में सीट दिया गया है रेड स्टिचिंग के साथ। एंड सीटिंग कम्फर्ट की बात करें, सीटिंग कम्फर्ट भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सा सीटिंग कम्फर्ट देखने को मिलता है, चाहे आप राइडर सीट की बात करो या फिर पिलियन सीट, दोनों सीट से आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिल जाता है। आपको लॉन्ग ट्रिप्स पर आसानी से थकावट नहीं आएगी फॉर श्योर। उसके बाद जैसे ही आप लोग थोड़ा सा पीछे नीचे की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको Ntorq 125 की एक बैजिंग देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको रेस XP की बैजिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फुटपैक देखने को मिलता है, फुटपैक आपको एल्यूमिनियम फिनिश पे देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही आप लोग थोड़ा सा पीछे की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को स्कूटर का एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। इसका एग्जॉस्ट साउंड मैं आपको वीडियो के एंड में सुनाऊंगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एस्पेक्ट। तो जैसे ही आप लोग इस स्कूटर के रियर प्रोफाइल की तरफ देखेंगे तो रियर से भी स्कूटर का एक काफ़ी ज़्यादा कूल एंड एक स्टाइलिश डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लुक इसमें दिया गया है, यंगस्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है ये स्कूटर। मतलब कि Ntorq 125 का जो सीरीज़ है ये यंगस्टर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड उसके बाद अगर आप लोग रियर एलिमेंट्स की बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको फुल लिड देखने को मिल जाता है। फुल लिड के ऊपर आपको एक Ntorq की बैजिंग एंड यहाँ पे आपको E20 का बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप लोग देख सकते हो क्लियरली। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल देखने को मिलता है। ग्रैब रेल की बात करेंगे तो इसका जो ओवरऑल टच एंड फील मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फिनिश के साथ ये ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है। एंड जैसे ही आप लोग थोड़ा सा अंडरनीथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेल लैम्प देखने को मिलता है, जो बेसिकली वी शेप डिज़ाइन में दिया गया है। ये LED टेल लैम्प
स्कूटर में ऑफर किया गया है। थोड़ा सा अंडरनीथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिलता है, रियर टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, हैलोजन इंडिकेटर्स इसमें ऑफर किया गया है एंड उसके थोड़ा सा नीचे आपको रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही आप लोग स्कूटर के रियर टायर की तरफ देखेंगे तो रियर पर भी आपको TVS रेमोरा का टायर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप रियर टायर साइज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 110x80 12 इंच का ट्यूबलेस टायर विद अलॉय व्हील देखने को मिलता है। अलॉय व्हील की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रेड कलर में इसका अलॉय व्हील दिया गया एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द रियर ब्रेक तो रियर पे इसको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा एंड साथ में जैसे ही आप लोग थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आप लोगों को स्कूटर का इंजन देखने को मिलता है। इंजन को बताने से पहले यहाँ पे आप दूसरे एस्पेक्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो फुट पिक्स देखने को राइड ये फुट स्टेप देखने को मिलता है, उसके साथ यहाँ पे किक स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया जो एक काफ़ी अच्छी बात है एंड उसके साथ यहाँ पे आपको साइड स्टैंड देखने को मिलता है। स्कूटर में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ का सेंसर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो एक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड एक सेफ्टी फीचर है। एंड उसके बाद अगर आप लोग बात करेंगे स्कूटर के अंडर सीट स्टोरेज के बारे में तो इसका जो अंडर सीट स्टोरेज है वो आपको यहाँ से चाबी घुमा के आप लोग देख सकते हो। तो एक सेकेंड, तो जैसे ही मैंने इस स्कूटर के सीट को ओपन किया तो आप लोग देख सकते हो कि अंडर सीट स्टोरेज काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आपका ज़रूरी सामान यहाँ पे आराम से बैठा के ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट एड किट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको टूल किट वगैरह देखने को मिल जाता है एंड उसके साथ यहाँ पे आपको कोई भी लाइट ऑफर नहीं किया गया जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा। अगर एक लाइट ऑफर कर देते तो आई थिंक थोड़ा सा बेटर होता। एंड उसके बाद अगर आप लोग बात करेंगे स्कूटर के इंजन के बारे में तो ये जो स्कूटर है इसमें आपको 124.8 से सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 कंप्लाइंट का मतलब BS6 का फेस टू इंजन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पावर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 10.2 PS का पावर देखने को मिलता है एंड 10.8 न्यूटन मीटर टॉर्क विद CVT ट्रांसमिशन जैसे कि आप लोग जानते हो। एंड यहाँ पे अगर आप लोग उसके बाद थोड़ा सा सामने की तरफ देखेंगे तो अब हम लोग बात करेंगे स्कूटर के हैंडल्स एंड कंट्रोल्स के बारे में। तो हैंडल्स की तरफ देखेंगे तो हैंडल्स का जो ग्रिप है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एंड उसके बाद अगर आप लोग मतलब फीचर्स की बात करेंगे मतलब कंट्रोल्स की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको लो बीम हाई बीम ये आपको टर्न सिग्नल का बटन एंड उसके थोड़ा सा नीचे आपको हॉर्न का स्विच देखिए। राइट साइड कंट्रोल की तरफ देखेंगे तो राइट साइड में आपको किल स्विच ये आपका हैजल लाइट का कंट्रोल एंड थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिलता है। और उसके साथ अगर आप लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुल्ली डिजिटल में देखने को मिलता है जहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर दिखाएगा, उसके साथ यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर दिखाता है, साथ में आपको ओडोमीटर एंड उसके साथ डिजिटल फ्यूल गॉज टेम्परेचर इंडिकेशन एंड साथ में आपको डिजिटल टाइम दिखाएगा। एंड उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे मोड भी दिया गया है तो बेसिकली ये आप लोग देख सकते हो कि इसमें आपको स्ट्रीट मोड देखने को मिलता है और उसके साथ यहाँ पे आपको रेस मोड देखने को मिलेगा, साथ में आपको लैप वगैरह के पे लैप्स का भी कुछ यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर यहाँ पे दिया गया है इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। एंड उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे मतलब एग्जॉस्ट की तरफ जाते हो तो जैसे ही आप लोग स्कूटर के एग्जॉस्ट साउंड सुनेंगे तो मैं आपको हर बार की तरह एक ही बात बोलना चाहूँगा कि यूज़ हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो यही थे इसका एग्जॉस्ट साउंड, आपको सुन के कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए बिकॉज आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इन व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट्स में भी ज़रूर बताना कि आपको ये स्कूटर कैसा लगा और अगर आपका स्कूटर से रिलेटेड कुछ भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो वो भी हमने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया, हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम ऑर्डर करोगे तो अपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा दो हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव से मिलते कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।